अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हम लोगों ने उद्यमी योजना की शुरुआत की और उसमें था कि 5 लाख रुपए तक का अनुदान इनको मिलेगा और 5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, उसमें किसी भी तरह का मैंने ब्याज नहीं मिला, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो जयंती समारोह था 24 जनवरी को जो होता है, तो वो जो 2020 में ही हम लोगों ने उनके उसी अवसर पर इस बात के बारे में सोच लिया कि अब यही लाभ, इसी प्रकार का लाभ अति पिछड़े वर्ग को दिया जाएगा और अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना को लागू कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए, इन लोगों को तो लागू कर दिया, अब हम लोग जो फिर सरकार में आए हैं और उसके पहले सरकार में जा रहे थे, तब उस समय हम लोगों ने ये घोषित किया और जब सरकार बन गई तो उसको बाजाब्ता आपस में विचार करके और कैबिनेट का डिसीजन हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने उसमें सारे महिलाओं के लिए वही सुविधा दे दी, यानी खाली अब सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति या अति पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाओं को तो पहले से लाभ मिला, अब बाकी सभी महिलाओं को, यानी जो अपर कास्ट की हो या पिछड़े वर्ग की हो, बाकी जो बचे हुए हैं और भी जो कुछ भी किसी भी समुदाय के हो, सब लोगों के लिए हम लोगों ने कर दिया कि उसी तरह से 5 लाख रुपए का जो देंगे हम लोग उनको और 5 लाख रुपए का ऋण देंगे, उसमें किसी भी प्रकार का ये ब्याज मुक्त रहेगा, ये काम शुरू कर दिया। और उसके अलावे जो बाकी बचे, यानी अपर कास्ट के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग, उनके लिए, अति पिछड़े को तो दे ही दिया गया था, अब उनके लिए भी हम लोगों ने शुरू कर दिया कि 5 लाख रुपए तक का तो अनुदान देंगे और 5 लाख रुपए का ऋण देंगे, जिसमें मात्र 1% का ब्याज। अब सोच लीजिए 1% ब्याज का कोई मतलब क्या है, तो इसलिए उनके लिए भी ये काम कर दिया गया।